उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 3 सितंबर 2021 को वादी अनिल कुमार पुत्र हरद्वारी लाल निवासी ग्राम नगरिया थाना तिलहट जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाने में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह राजीव गुप्ता की राइस मिल में मुनीमी का कार्य करता है तथा वह दिनांक 3 सितंबर 2021 को अपने मालिक को 6 लाख चेक का भुगतान नगद वापस लेकर जा रहा था कि उमा टाकीज वाली गली में अपाचे मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने रुपए का थैला छीन लिया। वहीं वादी द्वारा दी गई तहरीर सूचना के आधार पर परमानंद पांडे क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा वादी को साथ लेकर तत्काल घटना स्थल के पास पहुंचे। वहीं घटना स्थल का निरीक्षण किया तो लूट की घटना संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसके संबंध में वादी मुकदमा अनिल कुमार से सख्ती से पूछताछ की गई तो वादी मुकदमा ने खुद ही घटना को अंजाम देना बताया और उक्त 6 लाख रुपए को स्वयं द्वारा एक दुकान में रखना बताया। वहीं वादी के अनुसार कुल 6 लाख रुपए बरामद हुए। कल दिनांक 3/9/2021 को कस्बा निवासी एक व्यक्ति अनिल कुमार, जो कस्बे में ही स्थित एक राइस मिल और ब्रिक प्रतिष्ठान के मालिक राजीव गुप्ता की फर्म पर मुनीम का काम करता है, उसने आके ये सूचना दी कि आज वो मिल के काम से 6 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा से निकालने गया था और रुपए निकालने के बाद जब वो उमा टाकीज वाली गली की ओर आ रहा था तो पीछे से अपाचे मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल आगे लगा के रोक ली और तमंचा दिखाते हुए उसका मोटरसाइकिल से जो थैला लटक रहा था रुपए 6 लाख का उसको लूट के भाग गए हैं। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना चूंकि बहुत महत्वपूर्ण थी और सनसनीखेज भी थी, दिन दहाड़े ये वारदात होना बताया गया था, इसलिए पुलिस तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज उस क्षेत्र के देखने शुरू किए गए। तमाम चीज़ों का परीक्षण करने के बाद ये घटना थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हुई, क्योंकि जिस जगह ये घटना स्थल बताया जा रहा था उसके आसपास के जब सीसीटीवी कैमरों का परीक्षण किया गया तो उसमें ये व्यक्ति अकेले आता हुआ दिखाई दिया और कुछ देर इसने आगे पीछे देखा और जब ये महसूस किया कि कोई गली में दूसरी तरफ या पीछे की तरफ नहीं है तो इसने खुद ही मोटरसाइकिल को गिराया। वह वहीं से फ़ोन करता हुआ इसने अपने मालिकों को अपने साथ हुई लूट की घटना की सूचना दी। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद इसको थाने लाया गया और इससे कड़ाई से जब पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया कि उसके मन में लालच आ गया था और उसने स्वयं ही लूट की ये झूठी कहानी गढ़ी थी। जब इससे रुपयों के बारे में पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जब ये बैंक से रुपए निकाल के लाया तो कस्बे स्थित एक किराने की दुकान पे, जिससे पुरानी जान पहचान थी, वहाँ से अक्सर ये सामान खरीदता था, ये उस दुकान पे आया और वहाँ से इसने कुछ घरेलू सामान जैसे दाल और चावल वगैरह खरीदे और जिस थैले में रुपए रखे हुए थे उसी के ऊपर इसने वो सामान रख के वहीं उसमें गांठ लगा के किराने के मालिक को दिया और ये बताया कि मैं थोड़ी देर के बाद इसको आपके यहाँ से ले जाऊँगा। इसको सामान्य और सहज बात मानते हुए दुकानदार ने वो थैला वैसे ही अपनी दुकान में पीछे की तरफ रख दिया। जब इसको बरामदगी के लिए ले जाया गया था दुकानदार ने वो थैला बरामद कराया। इस संबंध में किराना व्यापारी को भी कुछ पता नहीं था। जब वहीं मौके पर थैले को खोल के देखा गया तो उसमें बैंक से लाए गए पूरे 6 लाख रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।